हेलो एवरीवन, अभी तक हमने देखे हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम और सब एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम। अब इस वीडियो में हमें देखना है एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम। हमने कहा है ये जो प्लांट पार्ट्स है, रूट हो या स्टेम हो, ये अपने आप में मॉडिफिकेशन या स्ट्रक्चरल चेंजेस क्यों लाती है, क्योंकि इन्हें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस करने हैं, एडिशनल फंक्शंस करने हैं अदर देन द प्राइमरी फंक्शंस, इसलिए ये खुद में मॉडिफिकेशंस लाती है। तो दे अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, मतलब दे कम्प्लीटली चेंज इनटू सम अदर फॉर्म, तो ये अब मेटामॉर्फोज्ड हो जाती है। तो इसलिए हम इन स्टेम को कहेंगे मेटामॉर्फोज्ड स्टेम, क्योंकि इन्होंने खुद में मॉडिफिकेशंस लाए है। तो हो सकता है कि ये मॉडिफिकेशन एरियल स्टेम में आए हो, या फिर एरियल स्टेम की जो बड होती है, हो सकता है वेजिटेटिव बड या फिर रिप्रोडक्टिव बड। हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में देखा है कि बड का मतलब क्या है, बड के क्लासिफिकेशन देखे, और उसमें जब हम आए थे ऑन द मॉडिफिकेशंस ऑफ बड, तो हमने कहा था कि ये टॉपिक हम कवर करेंगे इन एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम। तो अब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में हम पहले कवर करेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ द बड। ये एरियल स्टेम के ही मॉडिफिकेशन, लेकिन हमने एक अलग कैटेगरी दे दी, क्योंकि बड इस अंडरगोइंग चेंज। तो हमने ये जो तीन टाइप है, टेंड्रिल, बल्बिल और थॉर्न, ये एक अलग हेडिंग में अब हम बताएंगे, वो है मॉडिफिकेशंस ऑफ द बड। इट कम्स अंडर एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम ओनली, राइट। तो पहला है टेंड्रिल। ये ऐसा मॉडिफिकेशन है स्टेम का, एरियल स्टेम का आई वुड से, जिसके अंदर जो बड होती है दैट गेट कन्वर्टेड इंटू अ टेंड्रिल। तो ये टेंड्रिल क्या है? टेंड्रिल एक थिन वायरी कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, जो कि बहुत सेंसिटिव होता है, और उसके ऊपर एडेसिव ग्लैंड्स होती है, जो कि एक एडेसिव सब्सटेंस एग्जूड करती है, जिसकी मदद से ये अटैच कर सकते हैं अपने आप को टू अ सपोर्ट, और अटैच करने के बाद में ये प्लांट को क्लाइम करने के लिए मदद करते हैं। तो टेंड्रिल आपने देखा होगा, अगर ककड़ी की वेल देखी होगी आपने, कुकुरबिट्स, तो उनके अंदर जो वायरी थिन कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स जो है, उन्हें कहते हैं टेंड्रिल। अब हो सकता है कि, जैसे मैंने कहा कि ये बड का मॉडिफिकेशन है, तो हो सकता है कि वेजिटेटिव बड ने खुद के अंदर मॉडिफिकेशन करके टेंड्रिल में कन्वर्ट हुई होगी, या फिर रिप्रोडक्टिव बड। तो वेजिटेटिव बर्ड्स में हमने बोला है कि वो हो सकती है एक्जिलरी बर्ड भी हो सकती है, कोई टर्मिनल बर्ड भी हो सकती है, या फिर कोई एक्स्ट्रा एक्जिलरी बर्ड भी हो सकती है। तो उनके अब एग्जांपल्स आपको याद रखना है कि ऐसा प्लांट जिसके अंदर एक्जिलरी बर्ड गॉट कन्वर्टेड इनटू अ टेंड्रिल, तो पैशन फ्लावर, पैसिफ्लोरा जिसे बोलते हैं। ऐसा प्लांट जिसके अंदर टर्मिनल बर्ड गॉट कन्वर्टेड इनटू अ टेंड्रिल, वाइटिस, अंगूर, उनके अंदर टर्मिनल बड होती है कन्वर्ट इनटू टेंड्रिल। और जो ग्रोथ होनी है फिर, क्योंकि टर्मिनल बड ही कन्वर्ट हो गई तो लेंथ कैसे बढ़ेगी स्टेम की, तो यहाँ पर जो एक्जिलरी बड होती है उनके वजह से फिर जो ग्रोथ है स्टेम की वो कैरी आउट की जाती है। अब एक्स्ट्रा एक्जिलरी बड वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू टेंड्रिल, तो उसका एग्जाम्पल है कुकुरबिट्स। और कभी कभी फ्लोरल बर्ड, माने ऐसी बर्ड जो आगे चल के फूल बनाने वाली थी, फ्लावर बनाने वाली थी, वो होती है कन्वर्ट इनटू टेंड्रिल, उसका एग्जांपल है एंटीगोनॉन, यानी सैंडविच आइलैंड क्लाइंबर। दूसरा एग्जांपल है कार्डियोस्पर्मम, यानी बलून वाइन। तो ये टेंड्रिल्स जो भी है वो ज़्यादातर क्लाइंबर्स में ही मिलती है। क्लाइंबर बोले तो ऐसे प्लांट्स जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है और वो किसी सपोर्ट का सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं, उन्हें कहते हैं क्लाइंबर्स, राइट। अब दूसरा है थॉर्न्स। थॉर्न्स आपको पता है, काटे। तो थॉर्न्स भी है मॉडिफिकेशन ऑफ बड, हो सकता है कि वो अपाइकल बड हो या फिर एक्जिलरी बड हो। प्लांट ने क्यों कन्वर्ट किया होगा अपने बड को इनटू थॉर्न्स, क्या फ़ायदा है उससे? तो फ़ायदा ये है कि वो अपने प्लांट को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है फ्रॉम द ब्राउजिंग एनिमल्स। ब्राउजिंग एनिमल्स का एग्जांपल, जैसे अब ग्रेजिंग के लिए जो एनिमल्स जाएंगे वो प्लांट को खाएंगे, तो अगर प्लांट को खुद को बचाना है तो उसने खुद के बड को कन्वर्ट कर दिया कांटों के अंदर।
अब उन कांटों के वजह से वो जो एनिमल्स है, ग्रेजिंग एनिमल्स, वो वहाँ पर जाएंगे पर वो खाएंगे नहीं उस प्लांट को, क्योंकि वो कांटे उनको तकलीफ़ देंगे या चुभेंगे। तो इस तरह उस प्लांट ने खुद के बर्ड को कन्वर्ट किया थॉर्न में और ख़ुद को प्रोटेक्ट किया, राइट। और जो थॉर्न्स है दे ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द ट्रांसपीरेशन। कैसे? अगर ये बर्ड आगे चलकर लीफ या फिर ब्रांचेस बनाती थी और उन ब्रांचेस पे बहुत ज़्यादा लीव्स आते थे तो उसका सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता था और उस लीफ में से ट्रांसपीरेशन होता था और पानी का लॉस होता था। लेकिन बर्ड ने खुद को कन्वर्ट किया इनटू थॉर्न, थॉर्न यानी एक हार्ड और पॉइंटेड स्ट्रक्चर, तो फिर उसका सरफेस एरिया कम हो गया, इसका मतलब ट्रांसपीरेशन कम हुआ। अब कभी कभी क्या होता है, इन थॉर्न्स के ऊपर आपको लीव्स दिखेंगे या फिर ब्रांचेस दिखेंगे या फिर फ्लावर्स दिखेंगे। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि थॉर्न एक स्टेम है, क्योंकि हमने कहा था कि स्टेम के नोड्स पर लीव्स बनते हैं या ब्रांचेस बनती है या फ्लावर्स बनते हैं। तो दिस प्रूव्स दैट द थॉर्न्स आर द मॉडिफाइड स्टेम एंड हेंस यू फाइंड लीव्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर्स ऑन द थॉर्न। अब हमने कहा कि बर्ड का है ट्रांसफॉर्मेशन थॉर्न, तो अगर अपाइकल बर्ड कन्वर्ट होती है इनटू थॉर्न तो उसका एग्जाम्पल पूछा जाए तो आपको बोलना है कैरिसा, और अगर एक्जिलरी बर्ड कन्वर्ट होती है इनटू थॉर्न तो उसके एग्जाम्पल्स है डुरेंटा, सिट्रस और बोगनविलिया। सिट्रस यानी संतरा, नींबू, मौसम्बी, यानी नींबू वर्गीय जितने भी पौधे हैं वो सब है सिट्रस। बोगनविलिया के अंदर जो थॉर्न्स है वो स्ट्रेट नहीं रहते, यूजुअली जो थॉर्न्स है वो स्ट्रेट होते हैं, लेकिन बोगनविलिया के थॉर्न्स कर्व्ड होते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि ये कर्व्ड थॉर्न्स किसी सपोर्ट में अटक कर प्लांट को क्लाइंबिंग के लिए मदद करते हैं। सो दिस इज़ अबाउट थॉर्न्स। अब नेक्स्ट है बल्बिल्स। तो बल्बिल भी बर्ड के मॉडिफिकेशन है। यहाँ पर क्या होता है, एक्जिलरी बर्ड जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू अ फ्लैशी एंड राउंड स्ट्रक्चर। अब फ्लैशी मतलब क्योंकि उसने कुछ तो भी स्टोर किया होगा फूड मटेरियल, इसलिए वो कन्वर्ट हो जाती है और फ्लैशी बन जाती है, राइट। तो एक्जिलरी बर्ड जब फ्लैशी हो जाएगी ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल और राउंड शेप की होगी, तो वैसे स्ट्रक्चर को कहते हैं बल्बिल। इसका फंक्शन ये है कि ये जब टूट के गिरता है प्लांट पर से नीचे तो फेवरेबल कंडीशंस में ये एक नया प्लांट बना सकता है। इसका मतलब इट हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, राइट। और इसके एग्जाम्पल है डायस्कोरिया, वाइल्ड याम, ये एक मेडिसिनल प्लांट है, और दूसरा है अगेव। तो बर्ड के तीन मॉडिफिकेशंस देखे हमने, पहला था टेंड्रिल, दूसरा था थॉर्न और ये तीसरा है बल्बिल। अब हमें देखना है मॉडिफिकेशंस ऑफ द एरियल स्टेम। एरियल स्टेम का पहला मॉडिफिकेशन है फाइलोक्लैड। फाइलोक्लैड मतलब ऐसी स्टेम जो कन्वर्ट होती है इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर, यानी वो है ओरिजिनली स्टेम ही, आपको उसके अंदर स्टेम के पूरे कैरेक्टर्स दिखेंगे, नोड दिखेंगी, इंटरनोड दिखेंगी, लेकिन इट गेट कन्वर्टेड इनटू अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। लीफ नहीं है बट लीफ लाइक है, जैसे अगर आपने ऑप्यूनशिया देखा होगा जो कि एक जेरोफाइट है, उसके अंदर जो ग्रीन स्टेम है लीफ लाइक स्टेम, उसे कहते हैं फाइलोक्लैड। अब वो स्टेम है ये किस पर से आप प्रूव कर पाएंगे, उसके ऊपर आपको ये जो छोटे छोटे कांटे दिखते हैं वो एक्चुअल में उसके मॉडिफाइड लीव्स है, उसने अपने लीफ को स्पाइन्स में कन्वर्ट कर लिया है। और हमें तो पता है कि लीफ कहाँ आते हैं, स्टेम की नोड पर, तो वो कहाँ पे आ रहे हैं, इस ग्रीन कलर के स्टेम की नोड पर। तो ये लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर है ऑप्यूनशिया का, दैट इज कॉल्ड एज फाइलोक्लैड, राइट। इसके ऊपर मिल रहे हैं आपको डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स, नोड्स पर आए हैं स्पाइन्स। अब हो सकता है ये फाइलोक्लैड थिक, फ्लैशी और सकुलेंट हो। सकुलेंट मतलब ये स्टोर कर रहा है पानी या फिर फूड मटेरियल या फिर म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस फॉर रिटेंशन ऑफ वाटर। तो एग्जाम्पल ऑफ सच ए फाइलोक्लैड इज ओप्यूनशिया। ओप्यूनशिया के अंदर आपको
सकुलेंट फाइलोक्लैड मिलेंगे जो कि थिक और फ्लेशी रहेंगे। फिर कभी कभी ये मॉडिफिकेशंस ऐसे हैं कि सिलेंड्रिकल शेप मिलेगा उस स्टेम को या फिर लीफ को, मॉडिफाइड स्टेम को, राइट। तो वो है कैस्यूरिना। कैस्यूरिना के अंदर जो फाइलोक्लैड है वो सिलेंड्रिकल है, वो रिबन लाइक भी हो सकता है। एग्जाम्पल है मेलनबेकिया। तो ये तीन एग्जाम्पल्स में से ओप्यूनशिया इम्पॉर्टेंट है। ये ज़ेरोफाइट्स है, इन्होंने खुद की स्टेम को लीफ के अंदर क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि इनके लीव्स जो थे वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो गए थे। अब लीफ का फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस, तो जब फोटोसिंथेसिस करने वाला कोई नहीं बचा तो स्टेम ने वो जिम्मा उठाया और उसने खुद को कन्वर्ट किया इनटू लीफ, और अब वो लीफ करती है फोटोसिंथेसिस, यानी फाइलोक्लैड यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करते हैं। और वो अगर सकुलेंट है तो वो पानी भी स्टोर करके रखते हैं। कुछ बुक्स ने क्लैडोफिल को ही फाइलोक्लैड कहा है। क्लैडोफिल क्या होते हैं, ये भी लीफ के जैसे ही स्ट्रक्चर है, लेकिन द अपर हाफ इज लीफ एंड द लोअर हाफ इज स्टेम। जैसे ये ब्लू कलर से मैंने निकाला है, अपर हाफ दैट इज लीफ लाइक एंड द लोअर हाफ इज स्टेम लाइक। ये उगते हैं फ्रॉम द एक्सिल ऑफ अ स्केली लीफ, और इसके ऊपर आपको फ्लोरल बर्ड्स मिलेंगे। तो इसीलिए ये जो रेड कलर का रीजन है, मैंने कहा कि लोअर हाफ इज स्टेम, क्यों, क्योंकि ये जो ग्रीन कलर से मैंने निकाला है इसके ऊपर निकले फ्लोरल बर्ड। तो क्योंकि यहाँ पर बर्ड निकल रही है तो इसलिए ये स्टेम है। तो इसलिए क्लैडोफिल को कहते हैं हाफ लीफ एंड हाफ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और इसका एग्जाम्पल है रस्कस। अब तीसरा है क्लैडोड्स। क्लैडोड्स के अंदर जो स्टेम है वो ग्रीन कलर की होती है, लेकिन वो स्टेम को लिमिटेड ग्रोथ होती है। जैसे ब्लू कलर के मैंने स्टेम्स निकाले हैं, वो लिमिटेड ग्रोथ के हैं। तो क्लैडोड्स आर द ब्रांचेस विथ लिमिटेड ग्रोथ विच आर ग्रीन इन कलर। अब ग्रीन इन कलर है मतलब दे ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इनके अंदर भी जो ट्रू लीव्स जो होते हैं दे गेट कन्वर्टेड इनटू स्पाइंस या फिर स्केल्स, इसलिए इस ग्रीन कलर की स्टेम को ही करना होता है फोटोसिंथेसिस। इसका एग्जाम्पल है एस्पेरेगस, शतावरी। अगर आपको याद हो तो एस्पेरेगस के जो एडवेंटिशियस रूट्स थे वो फैसिकुलर ट्यूबरस थे, यानी मॉडिफाइड थे, और अब इनकी स्टेम भी मॉडिफाइड है, क्लैडोड है, यानी ब्रांचेस विद लिमिटेड ग्रोथ। ये है अबाउट एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। इसके अंदर हमने 6 टाइप देखे। पहले 3 टाइप थे बर्ड के मॉडिफिकेशंस के, और अब स्टेम के मॉडिफिकेशंस में हमने बताया है फाइलोक्लैड, क्लैडोफिल और क्लैडोड्स।